Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Mohammed Faizan. Class 9, आज आपका बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर हुआ. सो चलें उसको डिस्कस करते हैं. होपफुली आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा अगर आपने इस चैनल के थ्रू तैयारी की है तो. सेक्शन ए 15 एमसीक्यूज आए होंगे. चलें देखते हैं हमारे क्या एमसीक्यूज थे और उसके आंसर क्या थे. चूज द करेक्ट आंसर. पहला हमारे पास लिखा हुआ है 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा. तो चलें इसको सॉल्व करके देखते हैं बेटा. 5 2 माइनस अपनी जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा. ठीक हो गई यहाँ तक की बात. अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास -10 अपनी जगह पे है. आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर बेटा बराबर होता है -1 के. आपको याद होगी ये बात, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के. सो माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 1 10. तो बेसिकली जो आपका आंसर आ गया हुआ है वो है 10. सेकंड हमारे पास है इफ लॉग 2 8 इक्वल्स टू एक्स देन एक्स इक्वल्स टू. तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. आपको याद होगा लॉग को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये जो बेस होती है ये सामने चली जाती है. यानी 8 इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 2 की पावर x. क्या बन जाएगा, ये 2 सामने चला जाता है और x पावर में चला जाता है. अब पावर से वैल्यू निकालने का तरीका क्या सीखा है आप लोगों ने? आप लोगों ने ही सीखा होगा बेस सेम बनाना लाजमी है, यानी 8 की जगह 2 रखना लाजमी है. तो मैं 2 की जगह पावर क्या रखूं कि वो 8 बन जाए? 3. 2 की पावर 3 8 हो जाता है. तो 8 की जगह 2 की पावर 3 रख दिया, बेसिस सेम हो गई तो 2 से 2 कैंसिल, 3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स. यानी कि आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों 3. देन वी हैव साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.0506. इसका साइंटिफिक नोटेशन, तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए पॉइंट्स को आगे लेके जाना पड़ेगा. एक स्टेप दो स्टेप, पहले नेचुरल नंबर के बाद लिखते हैं. तो एक दो स्टेप आगे लेकर गए. अब जब दो स्टेप आगे लेकर गए तो एक बात तो तय हो गई, 5.076 होगा. यानी या तो ये वाला आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा, ये दो तो हो ही नहीं सकते. ये पहले नेचुरल नंबर के बाद लिखा जाता है. अब उसमें आप दो स्टेप आगे लेकर गए ना, तो आप क्या करेंगे बेटा, आप क्योंकि इसको दो स्टेप आगे लेकर जाएंगे पॉइंट को, अभी फिलहाल पीछे है, तो जब आगे लेकर जाएंगे तो इसका मतलब -2 बनेगी पावर. अगर यही पॉइंट ऐसे होता, मिसाल के तौर पे लिखा हुआ होता 50 507.6, तो मैं दो स्टेप जब पीछे लेकर आता तो यहां पर मैं 2 पावर लिखता, जब मैं आगे की तरफ लेकर गया तो -2 लिखा जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, एमसीक्यू नंबर 4, x² + 4x + m इज अ कंप्लीट स्क्वायर देन वैल्यू ऑफ m. ये कंप्लीट स्क्वायर ऑलरेडी है. अच्छा, कंप्लीट स्क्वायर कैसे होता है, a² + 2ab + b² यही फॉर्मूला होता है ना, तभी तो a + b² बनता है. तो a² x² हो गया, a की जगह तो x रख दिया बेटा, b की जगह यहां मैं क्या रखू, मौजूद क्या है, मुझे बनाने क्या है, 4x बनाना है. तो मैं 2x के साथ किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए, आप कहेंगे सर 2 रख दें, तो 2 2 4x बन जाएगा. जब b की जगह मैंने 2 रखा तो यहां भी तो b की जगह 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 4. यानी m की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, m की वैल्यू आपके पास है 4. नेक्स्ट हमारे पास है HCF ऑफ दिस एंड दिस. सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको. कैसे, x पे तो क्यूब है, ये किसका क्यूब होता है, ये होता है 2y का क्यूब. तो फॉर्मूला बन रहा है a³ - b³. क्या फॉर्मूला होता है, a³ - b³ बराबर होता है a - b. फिर बेटा क्या होता है, a² + ab और + b² यानी ये बनेगा x - 2y, ये बनेगा x², ये बनेगा 2xy और फिर हो जाएगा 2 2 4y² तो ये आपको HCF मिल गया. ओके हो गया यहां तक की बात. इसका अभी तो एक का मालूम किया, अब दूसरे का मालूम करते हैं. दूसरे में मुझे फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, देखिए कैसे, पहला a² फिर ये माइनस है तो मैं माइनस का लिख रहा हूं 2ab और फिर प्लस का लिखूंगा b² तो बेटा a की जगह तो मैं x रख दूंगा, b की जगह मैं क्या रखू, ये किसका स्क्वायर है, 4y², 4 जो है वो 2 का है और y का है, तो b की जगह 2y आया. रीचेक कर लेंगे, बन रहा नहीं बन रहा, a² - 2ab + b²
टू टू जा फोर एक्स वाई बिल्कुल मौजूद है, फोर वाई स्क्वायर बिल्कुल मौजूद है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब चाहिए क्या इन दोनों का एच सी एफ, एच सी एफ में कॉमन वैल्यू लिखी जाती है एक एक्स माइनस टू वाई, और यहां से एक एक्स माइनस टू वाई कॉमन है तो एक्स माइनस टू वाई आपका आंसर है, एच सी एफ में कॉमन वैल्यू लिखी जाती है। फिर हमारे पास पांचवें एमसीक्यू में क्या लिखा हुआ है बेटा, छठे में आई मीन द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस, बड़ा आसान, माइनस टू को वहां भेज दें तो अंडर रूट वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा एट माइनस टू, वहां जाके प्लस टू हो जाएगा, तो बेटा अंडर रूट वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा आठ और दो मिलके दस, रूट हटाएंगे तो सामने यानी रूट खत्म करने के लिए क्या अप्लाई किया जाता है, स्क्वायर अप्लाई किया जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसल, टेन का स्क्वायर कितना हो जाता है हंड्रेड। आपको याद होगा रूट वाले सवालों में मैं कहता था वेरिफिकेशन लाजमी है, तो वाई की जगह हंड्रेड रखेंगे माइनस टू इज इक्वल्स टू एट, हंड्रेड का रूट कितना होता है टेन, टेन माइनस टू कितना होता है एट, तो वेरीफाई हो रहा है, इसका मतलब जो आपका आंसर है बेटा वो कितना है, वो है टेन। नेक्स्ट हमारे पास है द पॉइंट दिस इज लोकेटेड इन, तो ग्राफ याद है यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई, तो माइनस थ्री माइनस फोर एक्स भी माइनस वाई भी माइनस इस जगह पर आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी ये वैल्यू लोकेट करेगी। फिर आपके पास है डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, डिग्री किसको कहते हैं हाईएस्ट पावर को, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है टू है ना, इसका मतलब डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई बच्चों टू हो गई। ए प्लस बी इक्वल्स टू फाइव दिया हुआ है, ए माइनस बी इक्वल्स टू थ्री दिया हुआ है, कह रहे देन द वैल्यू ऑफ ए बी, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऐसा फॉर्मूला जिसमें ए बी आता हो, ए प्लस बी आता हो, ए माइनस बी आता हो, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, फोर ए बी इक्वल्स टू, अब फॉर्मूले याद होने चाहिए तो ही काम होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर, बेटा फोर अपनी जगह पे ए बी अपनी जगह पे, ए प्लस बी क्या है फाइव है ना, ए प्लस बी पे स्क्वायर है फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव, ए माइनस बी पे स्क्वायर है तो ए माइनस बी थ्री है, थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन, बेटा पच्चीस में से नौ गए सिक्सटीन बचे, मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए फोर मल्टीप्लाई और वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सिक्सटीन से डिवाइड करेंगे, सिक्सटीन डिवाइड बाय फोर करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास फोर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एस एक्स प्लस फिफ्टी सिक्स, इसको क्वाड्रेटिक है ये, इसको मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, तो एक्स स्क्वायर फिफ्टी सिक्स ऐसा नंबर सोचेंगे जो मल्टीप्लाई करने पर क्या बने फिफ्टी सिक्स और प्लस माइनस करने पर क्या बने फिफ्टीन, तो फिफ्टी सिक्स आप देखेंगे किसके टेबल में आता है टू के टेबल में आता है, टू कब आता है ट्वेंटी एट सा, क्या टू और ट्वेंटी एट मिलके फिफ्टीन बनते हैं, नहीं बनते, थ्री के टेबल में आता है कब आता है फिफ्टी सिक्स, थ्री के टेबल में नहीं आता, फोर के टेबल में आता है कब आता है फोर के टेबल में, फोर फोर टेन सा फोर्टी, और चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से क्या फोर के टेबल में फिफ्टी सिक्स आता है, बिल्कुल आता है फोर के टेबल में फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी सिक्स फोर के टेबल में आता है फोर्टीन सा, क्या फोर्टीन और फोर मिलके फिफ्टी सिक्स फिफ्टीन बनेंगे, नहीं बनेंगे, फिर फाइव के टेबल में आता नहीं है, सिक्स के टेबल में देखते हैं आता है नहीं आता, तो सिक्स के टेबल में भी नहीं आता, एक सेकेंड, सिक्स में भी नहीं आता, सेवन में आता है। अच्छा मैं आपको लंबी करके समझा रहा था, अगर आप नोट करें ना तो सेवन और एट दोनों लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब सेवन और एट में ही ब्रेक हुआ होगा, तो मुझे आंसर में माइनस फिफ्टीन चाहिए, तो मैं माइनस सेवन और माइनस एट लिख दूंगा, दो दो करके कॉमन लेते हैं बेटा, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा एक्स, तो बचेगा एक्स माइनस सेवन, ये दोनों एट के टेबल में आते हैं तो ये आएगा एक्स एट सेवन सा फिफ्टी सेवन, क्योंकि बाहर माइनस आ गया तो अंदर वाले की साइन चेंज, एक ब्रैकेट क्या बन गया एक्स माइनस सेवन का और एक बन गया एक्स माइनस एट का, एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस एट, ये आपका आंसर है। फिर हमारे पास है फोर सिक्स प्लस सेवन, यानी कि फोर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फोर सिक्स से भी होगा फोर सेवन से भी होगा, ये रहा, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बेटा, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल द थ्री साइड कॉन्ग्रेंट, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड,
किसी ट्रायंगल्स के वर्टेक्स से सामने की तरफ जब परपेंडिकुलर गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे मीडियन कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, या एल्टीट्यूड कहते हैं? देखिए, एंगल बाइसेक्टर तो अलग चीज है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर तो एंगल को बाइसेक्ट करता है ना, तो ये एंगल बाइसेक्टर की तो बात नहीं हो रही। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर हिस्सों में काटेगा, यहाँ बाइसेक्टर की कोई बात नहीं हो रही। तो ये बेसिकली आंसर है एल्टीट्यूड, कि जो सामने वाले का परपेंडिकुलर होता है बेटा, वो बनता है एल्टीट्यूड। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइड अपोजिट टू राइट एंगल, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल के सामने कौन सी साइड होती है बेटा? हाइपोटनियस होती है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटनियस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इफ अपोजिट साइड, एक सेकेंड, ओके। इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, क्वाड्रिलेटर कहते हैं ऐसी साइड जिसकी, ऐसी शेप जिसकी चार साइड्स हो, आर इक्वल इन मेजर एंड नन ऑफ देम इज राइट एंगल, कोई भी राइट एंगल नहीं है। देखिए, अगर मैं स्क्वायर बनाऊ ना तो इक्वल तो होती है, क्वाड्रिलेटरल यानी अपोजिट साइड बराबर तो होती है, लेकिन 90 डिग्री होती है, तो स्क्वायर तो इसका आंसर नहीं है। पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में ये साइड बराबर होती है, साइड बराबर होती है, और 90 डिग्री नहीं होती। वो यही तो कह रहा है कि नन ऑफ देम इज राइट एंगल, इसका मतलब आंसर परपेंडिकुलर है। सिर्फ रीचेक करने के लिए बता रहा हूँ। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम याद है ना, ऐसे होता है, तो ये साइड तो बराबर होती है, ये साइड बराबर नहीं होती। जब बराबर नहीं होती, सॉरी उल्टा कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी, ये ट्रेपेजियम बनाया, ये साइड तो बराबर है, ये साइड देखें बराबर नहीं है, देखकर ही अंदाजा हो रहा है। तो पहली कंडीशन ही खत्म हो गई। और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बिल्कुल बराबर होती है लेकिन राइट एंगल होता है, तो वो कह रहा है बराबर तो हो लेकिन राइट एंगल ना हो, तो उसका आंसर क्या है फिर हमारे पास? पैरेललोग्राम। तो होपफुली आप सबने यही आंसर्स पे टिक किया होगा। चलें सेक्शन बी पे चलते हैं। पहला सवाल, चैप्टर नंबर 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आया था आपके पास, हर किसी टीचर ने आपको बताया होगा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है 1.6 का। Z1 की वैल्यू दी हुई है, Z2 की वैल्यू दी हुई है, आपको Z1 माइनस Z2 का बार निकालना है और Z1 माइनस Z2 इंडिविजुअल बार निकालना। तो पहले आपने लेफ्ट साइड किया होगा, लेफ्ट साइड में जाहिर सी बात है बार बाद में मालूम होगा, पहले Z1 माइनस Z2 निकाला होगा। कैसे? के Z1 की वैल्यू लिख दी, Z2 की वैल्यू लिख दी, अच्छा इसको कैसे सॉल्व किया होगा? और क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट में रखा है, इसको कैसे सॉल्व किया होगा? 2 2 4 + 1 5/2 रखा होगा, तो एक तो इसको 5/2 किया होगा और माइनस ने दोनों की साइन चेंज की, ये माइनस का कर दिया और ये माइनस माइनस प्लस का। फिर आपने सिंप्लीफाई कर लिया, आयोटा में आयोटा को ऐड कर लिया, नंबर्स में नंबर्स को ऐड कर लिया, तो आपको Z1 माइनस Z2 मिल गया। लेकिन आपको Z1 माइनस Z2 का बार चाहिए था, तो बार कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? याद है बार क्या करता था? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करता था, यानी के मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करता था, सिर्फ कॉन्जुगेट करता था, यानी के अगर यहाँ पर इमेजिनरी की साइन प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, सिर्फ इमेजिनरी की साइन चेंज करता है। ये आपको लेफ्ट साइड मिल गई। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पे इंडिविजुअल बार है, तो पहले आप Z1 का बार निकालेंगे, फिर Z2 का बार निकालेंगे, फिर सॉल्व होगा। बार कैसे निकलेगा? इमेजिनरी की साइन चेंज होगी, 6 आयोटा प्लस का था माइनस का कर दिया, -2 आयोटा था प्लस का कर दिया। माइनस ने क्या किया? दोनों की साइन चेंज की, इमेजिनरी अलग ऐड किए, नॉर्मल नंबर अलग ऐड किए, और आपके पास फाइनल आंसर आ गया सेम। तो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ गई, तो आपने कह दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सवाल में लिखा हुआ था वेरीफाई दैट, तो आपने कर दिया वेरीफाइड, सिंपल। नेक्स्ट आपके पास क्या सवाल लिखा हुआ था? फाइंड दी वैल्यू यूजिंग लोगेरिथम। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, 2.6 से एक सवाल बनना ही बनना था। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? याद है ना, पहले पूरे को एक्स के बराबर रखा जाता है, फिर दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया जाता है। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लाई को क्या करता है? प्लस, और डिवाइड को क्या करता है? माइनस। एक और प्रॉपर्टी थी लॉग की, पावर को शुरू में ले जाता था। फिर हम लॉग मालूम किया होगा आपने, कैसे मालूम किया होगा? 26 को 6 में देखा होगा और 2 का डिफरेंस, 87 को 1 में देखा होगा 9 का डिफरेंस, 69 को 5 में देखा होगा 3 का डिफरेंस, और करेक्टरिस्टिक अप्लाई की होगी। याद है करेक्टरिस्टिक, के पहले के बाद होना चाहिए, एक का गैप है तो 1 पॉइंट, यहाँ भी एक का गैप है तो 1 पॉइंट, यहाँ भी एक का गैप है तो 1 पॉइंट। फिर ये नंबर, अच्छा यहाँ लॉग नहीं है, ये भी लॉग नहीं है और ये भी लॉग नहीं है, ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, और ये पूरा नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर प्लस माइनस किया, एक्स की वैल्यू चाहिए, यहाँ लॉग है, सामने जाके क्या हो गया होगा? एंटी लॉग। आपने इसका एंटी लॉग निकाला होगा, और इसका करेक्टरिस्टिक कितना है?
आपने एंटी लॉग मालूम किया होगा और करेक्टरिस्टिक कितना है, 5 ना, तो यहां से 5 का गैप दे दिया, 1 2 3 4 5, ये आपका रिजल्ट आया। गॉट इट? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ आया होगा, यहां से आपको 6 शॉट कर रहे थे वैसे तो, चॉइस बड़ी अच्छी थी, आसान सवाल आए थे इंपॉर्टेंट वाले। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये वैल्यू और ये वैल्यू बताए, तो आपने पहले ये वैल्यू एज इट इज लिखी होगी, फिर क्योंकि इसका क्यूब मालूम करना है तो आपने क्या किया होगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब अप्लाई हो गया होगा। और यहाँ आगे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी होल क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ab a माइनस बी। फिर आपने क्या किया, 11 पे भी क्यूब लगाया, 6 a माइनस 7 b बराबर है 11 के, और इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ए बी की वैल्यू भी पता है तो ए बी की जगह आपने 8 पुट कर दिया, जो कुछ यहाँ माइनस हो रहा है वहां जाके क्या हो गया, प्लस, और आपको फाइनल आंसर मिल गया। सिंपल, ये सारे सवाल हमने बड़ी डिटेल में किए हुए, वैसे आपको थोड़ा रैपिडली इसलिए बता रहा हूँ ताकि बस आप रीचेक कर सकें, आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने यही काम किया है। फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग, कौन सा सवाल है, 4.8 का सवाल, बिल्कुल। 4.8 में क्या करते थे, 3 स्टेप होते थे, पहले हम इस पूरे को px के बराबर रखते थे और x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करने की कोशिश करते थे कि आंसर 0 आ जाए। चले 1 से स्टार्ट करते हैं, हमने x की जगह लिखा पुट x इक्वल्स टू 1, और जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर दिया। जब सिंप्लीफाई किया तो देखा आंसर 0 आ गया, इसका मतलब यहीं पर ओके हो गए, बात पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरे स्टेप में याद है सिंथेटिक डिवाइड करते थे, सिंथेटिक डिविजन कैसे करते थे, ऐसे कि इसके कोफिशियंट लिखे जाते थे 1 -6 11 और -6, पहली वैल्यू एज इट इज, किससे डिवाइड करते थे, जो वैल्यू आपने रखी थी, पहली वैल्यू एज इट इज, फिर 1 1 जा 1, फिर 1 में से 6 गए तो 5 बचे माइनस का, फिर -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5, फिर -5 और 11 कितने हो जाएंगे 6, फिर 6 को भी किससे मल्टीप्लाई किया 1 से, 6 1 जा 6, फिर 6 में से 6 गए तो 0। ये आपके रिजल्ट हैं, कैसे लिखे जाते हैं, एक रिजल्ट यहाँ से लिखते हैं, एक यहाँ से लिखते हैं। यहाँ से कैसे लिखेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू 1 है तो वो जो +1 है वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा -1, तो पहला ब्रैकेट बनेगा x-1, और इनको याद है ना कैसे लिखते थे, ये नंबर x x स्क्वायर, यानी 1x² माइनस का 5x प्लस का 6। देखिए मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, किसमें ब्रेक हो रही है, 3 और 2 में, तो 3 और 2 में मिडिल टर्म ब्रेक की, कॉमन लिया, अब फाइनली आपका आ गया आंसर। ठीक है, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में आया, व्हाट शुड बी एडेड, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता है पहले दिन से पता है आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, 5.3 का लास्ट 4 जो सवाल थे वो इंपॉर्टेंट थे ही थे, तो व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर लेना पड़ेगा। कैसे लेते थे परफेक्ट स्क्वायर बेटा, पहले हम देखते थे पहला किसका स्क्वायर है, तो 2x² का है, तो 2x² यहाँ भी लिखते थे, यहाँ भी लिखते थे, नीचे भी लिखते थे, 2x² से मल्टीप्लाई करने पर ये तो हो जाएगा कैंसिल, फिर 2x² 2x² प्लस करेंगे तो 4x² आएगा। अब हमें 4x³ बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स से मल्टीप्लाई करें, जो एक्स आपने यहाँ लिखा है वो एक्स आप नीचे भी लिखेंगे और वो एक्स आप ऊपर भी लिखेंगे। ठीक है, तो 4x² को एक्स से करेंगे तो 4x³, एक्स को एक्स से करेंगे तो x² बेटा, 17 में से 1 गए तो 16x² बचेंगे। फिर आपको 16x² चाहिए, 4x² चाहिए, मौजूद है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 4 यहाँ भी लिखा, ऊपर भी लिखा, नीचे भी लिखेंगे, 4x² को 4 से करेंगे तो 16x², 2 4 8x और 4 4 16, कैंसल कैंसल, 9 में से 16 गए तो -7 बचे। वो कह रहा था व्हाट शुड बी एडेड, -7 में मैं क्या ऐड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है आंसर 0 आ जाए, तो -7 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए, तो -7 में आप +7 को ऐड करते हैं, यानी 7 शुड बी एडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। गॉट इट? अगले सवाल पे पढ़ते हैं, बढ़ते हैं। सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है ना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल था, चैप्टर नंबर 6 में मौजूद है, इफ आई एम नॉट रैंक दैट इज 6.2, तो पहले इसको अरेंज करेंगे, 12x+ हो रहा है वहां जाके, हम सबको एक तरफ लाएंगे ना, 12x+ हो रहा है वहां जाके माइनस, -49 वहां जाके प्लस, तो अब हम जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हेयर ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू -12 है और सी की वैल्यू 49 है। ओके, नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए की जगह 9, बी की जगह -12 और सी की जगह 49 को पुट करते हैं, जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सब कुछ किया हमने, करने के बाद पता चला माइनस में आंसर आ रहा है, तो रूट के अंदर माइनस आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आयोटा होता है, और 1620 का रूट कैलकुलेटर पॉइंट्स में बताएगा,
तो जब पॉइंट्स में बताते हैं तो आप लोगों को याद है आप लोग क्या करते थे, 1620 का एलसीएम लेते थे, कैसे, 2 8s, 2 1s, 2 0s, फिर 2 4s और 2 0s, 1 कैरी, फिर 2 5s, फिर 2 से नहीं कैंसिल हो रहा, 3 से हो रहा है, 3 1s, 3 3s 9 और 3 5s, फिर क्या हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है क्या, 3 4s 12, 1 कैरी, 3 5s, अब फिर 3 से हो रहा है क्या, 3 1s 3 5s, फिर 3 से हो रहा है, 3 5s, फिर 5 से हो रहा है, 5 1s, तो क्या करेंगे, 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, जिसका पेयर बन जाता है वो बेटा रूट से वैल्यू आ जाती है बाहर, और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर आ जाती है, 2 3 6, 6 3 18 होता है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ 12 और 18 तो कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन लेंगे, कॉमन ले लेते हैं बेटा, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 6 आ रहा है ना, 6 के टेबल में 12 भी आता है, 6 के टेबल में 18 भी आता है, 6 हमने कॉमन लिया तो 6 2s 12 बचेगा और 6 3s 18 बचेगा, अब 6 1s और 6 3s ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा 2 + 3 i_√5/3, और यही हमारा आंसर है। हम प्लस और माइनस अलग अलग करते, अगर इसमें कोई वैल्यू सॉल्व करने वाली होती तो सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हमने दोनों को साथ लिख दिया, आप अलग अलग करके लिख देंगे तब भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है बेटा, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में लिखा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग, सिंपल, मॉड को पहले सिंगल करें, ये -12 कहाँ जाएगा, वहां पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, यानी बन जाएगा 17। अब ये मॉड हटाते हैं तो सामने वाली वैल्यू प्लस माइनस दोनों में लिखी जाती है, तो प्लस 17 अलग लिख दिया, -17 अलग लिख दिया, क्या करेंगे बेटा, 5 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो 17 5 85, यहां भी यही कर दिया, -3 वहां जाके क्या हो जाएगा, +3, यहां भी 85 और 83 मिलके हो जाएंगे 88, और 3 -85 हो जाएगा बेटा माइनस का 82, फिर 2 मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड, तो डिवाइड करने पर एक आंसर आ गया 44 और एक आ गया माइनस का 41। आपको याद होगा सॉल्यूशन सेट में पहले -41 लिखा जाएगा फिर 44, पहले छोटी वैल्यू लिखी जाती है। यहां तक होपफुली कर लिए होंगे, फिर उसके बाद आपके थ्योरम्स के सवाल हैं कुछ, जैसे सवाल लिखा हुआ है प्रूव दैट इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन मेजर, अगर किसी ट्राइंगल के दो अनइक्वल एंगल्स हैं, द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर देन द, यानी जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने सबसे बड़ी साइड होगी, तो फिर आपने ये ट्राइंगल, ये हमने सारे प्रूफ किए हैं, अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो इसके लेक्चर्स अपलोडेड हैं इसी चैप्टर पे, और एक एक थ्योरम को बहुत बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं। फिलहाल आपने बस ये, मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने क्या करना है, जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने सबसे बड़ी साइड होगी, ये प्रूफ करना है। तो ये आपका थ्योरम था, इसको आपने सॉल्व किया होगा, इसके रीजन स्टेटमेंट सब कुछ लिखे होंगे और इस तरह से आपने इसको प्रूव किया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हमारे पास 10 है, ट्राइंगल ऑन इक्वल बेसिस एंड इक्वल एल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया, अगर किसी ट्राइंगल के बेसिस और एल्टीट्यूड्स बराबर है तो उनका एरिया बराबर होता है, चैप्टर समझ में आ गया होगा, चैप्टर नंबर 15 थ्योरम्स रिलेटेड विद रिलेटेड टू एरिया, उसमें पैरेललोग्राम वाले भी हैं, ट्राइंगल वाले भी हैं, तो उसके हिसाब से आपने बस ये प्रूफ करना है कि अगर किसी ट्राइंगल में इक्वल बेसिस और इक्वल एल्टीट्यूड है तो उनका एरिया भी बराबर होगा, ये आपका थ्योरम था, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज चैप्टर नंबर 15 ही, चैप्टर नंबर 14 है, 14.3 है ये जो थ्योरम है आपका, या 14.4 आई गेस, एनीवेज। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 में फिर एक और थ्योरम आया, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, कोई भी पॉइंट, यानी एंगल को जब बाइसेक्ट किया जाएगा तो उसका जो पॉइंट आपको इस लाइन पे, उस आर्म पे जो भी पॉइंट होगा वो इक्विडिस्टेंट होगा आपके सेंट्रल लाइन से, तो ये भी आपने प्रूफ किया है, पढ़ा है, इस चैनल पे बड़ी डिटेल में इसकी वीडियो मौजूद है, होपफुली आप इसकी तैयारी करके गए होंगे और आपने इसको अटेम्प्ट भी किया होगा, ये शॉर्ट थ्योरम्स थे आपके। फिर आपके पास 11 के और में कंस्ट्रक्शन आई थी, अच्छा ये कंस्ट्रक्शन जरा डबल आई है, जरा और से देखिएगा, पहले तो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी इन विच दिस दिस दिस, आपको तीन चीजें दी हुई है, फिर कह रहे हैं ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, तो ये बात की बात है, पहले तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे, सबसे पहले आपने लाइन बनाई बी और सी 6 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की आपने लाइन बना दी बी और सी, अब आपको कह रहा है सी ए 4 सेंटीमीटर है और ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं बी से लाइन बनाने जाऊंगा तो ये वाली थोड़ी बनेगी, ये वाली बनेगी ना, ए बी 5 सेंटीमीटर कैसे बनाएंगे, अपना प्रकार आपने 5 सेंटीमीटर का खोला होगा और बी पे रख के आपने एक आर्क लगाया होगा 5 सेंटीमीटर का, और
यानी बी पे रख के आपने 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया होगा, और सी ए कहाँ बनेगा, सी पे रख के आपने 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया होगा। ऐसे लगाए होंगे कि दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, उस पॉइंट को आपने ए का नाम दे के बी से भी जोड़ दिया, सी से भी जोड़ दिया, और लिख के बता दिया ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। इस तरह से आपने अपना ट्राइंगल बनाया होगा। और फिर उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर लिख दे तो बहुत बेहतर है कि आपने पहले लाइन बनाई, फिर आपने एक आर्क बी से लगाया, एक सी से लगाया, और दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये आपका ट्राइंगल हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद अब आगे वो कह रहा है ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए एंड बी, ए और बी को आपने एंगल बाइसेक्ट करना है। तो ये भी आपको पढ़ा चुके हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 में ये है सारी बात कि एंगल बाइसेक्ट कैसे करते हैं। ट्राइंगल तो बना लिया, अच्छा आपने तो एक कंटिन्यू इसी में काम करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने दो हिस्सों में किया है इसको। आपके पास तो ये ट्राइंगल बन गया, अब इस ट्राइंगल में आप क्या करेंगे, बी पे रख के एक आर्क लगाएंगे, फिर आपको ये दो पॉइंट मिलेंगे, लेट से ये कर दिया हमने एल, ये कर दिया हमने एम, एल पे रख के एक आर्क लगाया, एम पे रख के एक आर्क लगाया, इन दोनों आर्क जहां पर मिल रहे हैं बी से उसको कनेक्ट करके आगे तक प्रोड्यूस कर दिया। यही काम आपने ए के लिए किया, क्योंकि उसने ए और बी दोनों के लिए बोला है, तो ए पे रख के आपने एक आर्क लगाया, दो जो पॉइंट मिले एक एक आर्क लगाए वहां से और जोड़ के उसको प्रोड्यूस कर दिया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिया कि आपने पहले ट्राइंगल बनाया है, फिर आपने बी पे रख के आर्क लगाया है, उसको नाम दिया है एल और एम का, फिर आपने एल पे रख के एक आर्क लगाया, एम पे रख के एक आर्क लगाया, और इसको आपने नाम दे दिया पी को, और बी से पी को जोड़ के प्रोड्यूस कर दिया। ये आपका एंगल बायसेक्टर है बी का। इसी तरीके से एंगल बायसेक्टर ए का बनेगा, ठीक है। इसी के साथ सेक्शन बी आपका हो गया, और होपफुली होपफुली बहुत अच्छे से आपका इंशाल्लाह हुआ होगा। चलें सेक्शन सी पे चलते हैं। फैक्टराइज एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग, चार फैक्टराइजेशन करने हैं आपको, 6 दिए हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं बेटा। पहला आपके पास लिखा हुआ है 4x4 + 6 25, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर पे। देखिए पहला भी किसी का स्क्वायर है, दूसरा भी किसी का स्क्वायर है। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं, कंप्लीटिंग स्क्वायर की कहानी हो रही है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो मिड में कमी है 2ab की, ए की जगह पहली वैल्यू, बी की जगह दूसरी वैल्यू, ये जो आपने लिखा है ऊपर मौजूद ही नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए आपने माइनस किया, तो फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये बन गया 100। फिर फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। सेकेंड क्वेश्चन को अगर आप देखें, सेकेंड पार्ट को, तो उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि चार वैल्यूज है, दो दो करके कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से अलग कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से अलग कॉमन आ रहा है, कॉमन लिए एक बार आपका सेम ब्रैकेट एक बार वैल्यू, अच्छा इसमें से फिर कॉमन आ रहा है, देखिए 3y यहाँ भी और 3y यहाँ भी है, फिर कॉमन ले लिया आपने, और 3y को शुरू में लिख दिया ताकि अरेंज होके जरा लिख दिया, तो ये आपका सेकेंड पार्ट था। थर्ड उससे ज्यादा आसान, थर्ड में आपको नजर आ रहा है कि पहला भी किसी का स्क्वायर बन रहा है, दूसरा तो बना हुआ है ही, तो पहला किसका बन रहा है, 13 का। फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब बच्चों ने कुछ ने गलती किया की होगी, ब्रैकेट नहीं बनाए होंगे, डायरेक्ट लिख दिया होगा -3/+4 ना है, ये गलती अगर की है तो बड़ी गड़बड़ है। क्या करेंगे इसमें, इसमें ये होगा क्योंकि वैल्यू ज्यादा है ना, तो बेटा तो क्या करेंगे, माइनस जब आता है तो और वैल्यू ज्यादा होती है तो ब्रैकेट रखते हैं, क्योंकि अगले स्टेप में ब्रैकेट में फर्क पड़ेगा। देखिए प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन माइनस से माइनस का 3y और हुआ, और माइनस प्लस माइनस का 4 हुआ, तो होपफुली आप लोगों ने ये गलती नहीं की होगी आज के पेपर में। पार्ट 4 पे आते हैं, पार्ट 4 में हमारे पास पहले तो कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, बल्कि 4 के टेबल में भी आते हैं, तो पहले 4 भी कॉमन आ रहा है और 1x है और x 4 है, तो 1x भी कॉमन आ गया, तो 108 को आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिएगा 27 आ जाएगा, और 256 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 64 आपको नजर आ रहा है, ये भी किसी का क्यूब बन रहा है, ये भी किसी का क्यूब बन रहा है, 27 होता है 3 का और 64 होता है 4 का, तो फॉर्मूला बन गया बेटा कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया और आपका आंसर आ गया। पांचवे पार्ट में आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 24 बने और प्लस माइनस करने पर क्या बने, 2, तो 24 किसके टेबल में आता है, 6 4 24 आता तो 2 के टेबल में भी, 2 12 आता तो 12 और 2 मिलके 2 नहीं बनेंगे ना, इसलिए मैं 6 4 कह रहा हूँ, तो 6 4 में आपने ब्रेक किया, दो दो करके कॉमन लिए, मिडिल टर्म ब्रेक हुई, आंसर आ गया।
लास्ट को अगर आप गौर से देखें तो लास्ट में आपको नजर आ रहा है पहला किसी का क्यूब बन रहा है, लास्ट भी किसी का क्यूब बन रहा है। तो पहला किसका बन रहा है, पहला बन रहा है 4x का, पहले पहले को देख लें इसका बन रहा है, और ये किसका बन रहा है 1/4 का। मिड में क्या हो रहा है, मिड में आपको नजर आ रहा है बनेगा जब ए क्यूब और बी क्यूब मौजूद है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a² b। तो ए की जगह है पहली वैल्यू, बी की जगह दूसरी वैल्यू, फिर होता है प्लस का 3ab² तो ए की जगह पहली वैल्यू, बी की जगह दूसरी वैल्यू। फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी होल क्यूब के। तो फैक्टराइजेशन में आपके पास ये, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ग्राफ का सवाल आ गया, दो इक्वेशन दी हुई, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले सेट करते हैं पहली इक्वेशन को, y की वैल्यू निकाल, जो सिंगल होता है ना उसकी वैल्यू निकालना आसान होती है, तो y माइनस हो रहा है वहां जाके प्लस कर दें, और 11 प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस कर दें। अब क्या करेंगे बेटा, x की जगह एक एक करके चार वैल्यूज पुट कर दें, कौन कौन सी, पहले 1 पुट कर देते हैं, जहां जहां x है वहां पर 1 रखें, तो बनेगा आपके पास y आ जाएगा -8। फिर x की जगह 2 पुट कर लें, फिर x की जगह 3 पुट कर दिया, फिर x की जगह 4 पुट कर दिया, टेबल बनाया, एक्स आपने रखा 1 2 3 4, 1 2 3 4, वाई क्या आया -8 -5 -2 -1, और देखिए सब में तीन तीन का गैप आ रहा है, ये पहचान है कि आपका सवाल यहां तक सही हुआ है। फिर हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दूसरी इक्वेशन में एक्स -9, तो -9 को वहां भेज देते हैं, +9 हो जाएगा। अब क्या करें बेटा, अब वाई की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स मालूम करेंगे, वाई की वैल्यू क्या पुट करें, वाई की वैल्यू अगर आप कहते हैं 1 पुट करें तो एक छोटा सा मसला है, 3 1 3, 3 + 9 12 हो जाएगा, ग्राफ आपका बड़ा हो जाएगा, बन तो जाएगा बड़ा बनेगा, तो काम को आसान करें, 1 की जगह -1 पुट करें, तो 3 1 - का 3 आएगा, 9 में से 3 गए 6 बचेंगे। फिर -2 पुट करें, फिर -3 पुट करें, फिर -4 पुट करें, टेबल क्या बनेगा, आपने वाई रखा -1 -2 -3 -4, और एक्स क्या आया आपके पास 6 3 0 -। ठीक है, ये हो गया आपका आधा सवाल, समझ लें 10 नंबर का सवाल है तो 5 नंबर हो गए। अब बाकी के 5 नंबर कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों टेबल जरा मैं अपनी आसानी के लिए अपने सामने रख रहा हूँ। आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे पहले तो लाइन बनाएंगे, बीच में एक सेंटर में लाइन खींचेंगे, फिर एक यहाँ लाइन खींचेंगे जो आपका वाई एक्सिस होगा, और याद है ना पॉजिटिव पे, यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, कैसे प्लॉट करेंगे, पहला पॉइंट है 1, -8, कहां पर आएगा 1, -8, तो एक्स पे 1 और फिर वाई देखें, वाई आ रहा है -8, यानी 1, -8 इस जगह पे आ जाएगा पॉइंट, ये आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है, 2 -5, तो 2 और -5, फिर तीसरा क्या है, 3 -2, तो 3 -2, और चौथा पॉइंट क्या है बेटा आपके पास 4 1, 4 और 1 के लिए नीचे नहीं है, ये पॉजिटिव 1 है तो ऊपर की तरफ गए होंगे आप लोग, और आपने फिर इसको ऐसे करके स्ट्रेट जोड़ दिया होगा, जाहिर सी बात है आपने जब इसको बनाया होगा तो बड़ा स्ट्रेट बना होगा, ये आपकी लाइन 1 है। ठीक है, आपकी लाइन स्केल से जोड़ी होगी, मैंने डायरेक्ट बनाया है लेकिन आपने स्केल से जोड़ा होगा, स्ट्रेट लाइन बनी होगी। दूसरा आपके पास है 6 -1, तो 6 और -1, तो पॉइंट आया होगा यहां पर, फिर दूसरा है 3 -2, तो 3 और -2, ये तो यहीं पर ही है तो दूसरी बार बन जाएगा, सही है। फिर आपके पास क्या है, फिर आपके पास है 0 -3, 0 के लिए यहीं रुके और -3 के लिए नीचे आ गए, यानी कि ये, और चौथा आपके पास है -3 -4, तो -3 और -4, ये पॉइंट आ गया -3 -4। फिर आपने पेंसिल ली, स्केल लिया और इसको ऐसे करके जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, तो ये यहां पर आपका ये ग्राफ इस तरह बन गया होगा, ये लाइन बिल्कुल स्केल से जोड़िएगा, ये L1 ये L2, फिर आप सॉल्यूशन सेट क्या बना, जहां पर दोनों लाइंस आपस में मिल रही हैं, कहां मिल रही हैं, 3 -2 पर, ये आपका सॉल्यूशन सेट, और स्केलिंग भी लिखेंगे। स्केलिंग कैसे लिखते हैं, स्केलिंग ऐसे लिखते हैं कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या किया है, 5 स्मॉल बॉक्सेस लिए थे ना, तो आपने लिख दिया 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 यूनिट, और वाई एक्सिस पे भी आपने फिर यही लिख दिया। फिर तीसरा सवाल लॉन्ग का थ्योरम, इन अ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ थ्री साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड, यानी एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल की अगर तीन तीन साइड बराबर हैं तो प्रूव करो कि ट्राइंगल इक्वल है। पहले ही बता चुका हूं आपको मैं,
आपके जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उसने आपने आपको बताया होगा, उन्होंने आपको बताया होगा कि चैप्टर 9 से लॉन्ग थ्योरम बनेगा ही बनेगा। तो वो यही तो थ्योरम है, दो ट्रायंगल हैं, दोनों की साइड्स बराबर, फिर हमने कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन की थी, फिर हमने इसका पूरा स्टेटमेंट और रीजन लिख के प्रूफ किया था इन दोनों ट्रायंगल्स को बराबर, तो ये ट्रायंगल आपका लॉन्ग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। सिर्फ ये नहीं, 9 चैप्टर के तीनों थ्योरम आपके बड़े इंपॉर्टेंट थे, 9.1, 9.3 और 9.4। फिर आपके पास एक और थ्योरम आया है क्वेश्चन नंबर 15 में, इफ टू अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रेंट एंड पैरेलल इट इज पैरेललोग्राम। तो ये लॉन्ग थ्योरम आपका आया है चैप्टर नंबर 10 से, 10 में आपके पैरेललोग्राम के थ्योरम थे। तो आपने पैरेललोग्राम बनाया और प्रूव ये करना है कि अगर अपोजिट साइड सेम है, इक्वल है और पैरेलल है, तो प्रूव करोगे ये पैरेललोग्राम है। तो स्टेटमेंट और रीजन लिख के आपने इसको भी प्रूव किया होगा। फिर आपके पास एक सवाल बड़ा आसान सा आ गया लॉन्ग में, शो दैट दीज 3 पॉइंट्स, आपको पता है चैप्टर 16 से आना था एक लॉन्ग, तो शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। कॉलिनियर कैसे प्रूव करते हैं? किसी भी दो के डिस्टेंस को प्लस करने पर तीसरे के बराबर आएगा। तो पहले तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया, फिर हमने डिस्टेंस निकाला पी क्यू का, ऐसा ही है ना, x2 - x1 y2 - y1, इसको सिंप्लीफाई किया, पी क्यू मिल गया। जो डिस्टेंस आता है उसको किसमें लिखा जाता है? यूनिट्स में। और ये 125 को क्या किया? एलसीएम लिया, आता है एलसीएम लेना ना, अभी सीखा हमने थोड़ी देर पहले और पहले भी देख चुके हैं। जो एलसीएम आया है वही वाली बात, जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर। सेम मेथड पे आपने क्यू आर मालूम किया, सेम मेथड पे आपने आरपी मालूम किया, पता ये चला कि क्या किसी दो को प्लस करने पर तीसरा आंसर आ रहा है? हाँ, 2√5, 3√5 को प्लस करूंगा तो 5√5 आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा क्यू आर प्लस आर पी इक्वल्स टू आर क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ था? शो दैट, आप क्या लिख देंगे? शो। और लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी चॉइस थी 16 के और में, तो इसमें एक और आपका थ्योरम था आपके लास्ट चैप्टर का, यानी कि 15 चैप्टर का थ्योरम था, थ्योरम्स के लास्ट चैप्टर मेरा मतलब है। तो उसमें आपने ऑब्टिक्यूस एंगल ट्राइंगल की एक इक्वेशन प्रूव करनी थी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 CX, और क्योंकि ऑब्टिक्यूस एंगल है तो परपेंडिकुलर गिराया तो बाहर की तरफ गिरा, इस तरह से आपने इस पूरे ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करके इसका थ्योरम प्रूव किया होगा। गॉट इट? ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस 2 CX प्लस, ठीक है, इस तरीके से था, और ये एच पे भी स्क्वायर था, एच स्क्वायर। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी और आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, उम्मीद है, दुआ है, इंशाल्लाह अगले पेपर भी बहुत अच्छे होंगे। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।